तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, जिसके लिए मैंने कॉलेज से छुट्टी मारी और आपने भी किसी ना किसी की मारी होगी। तो अभी कोई बात पीछे की ना करते हुए सीधे आता है टाइगर 3 के ट्रेलर पे, जो मैंने खुली आंखों से देख लिया है और आपने भी देख लिया होगा। तो कैसा है टाइगर 3 का ट्रेलर, तो अपन उस पर बात करते हैं। तो भाई साहब मजा आ गया, मेरे सिर में दर्द हो रहा था वो चला गया, पर दोबारा हो गया। खैर टाइगर आ चुका है, हम स्वागत कर चुके हैं, जहाँ मैटर ऑफ प्योर फैमिली पर आ जाता है, जिसमें सीधा सीधा टाइगर की फैमिली को टारगेट किया जाएगा। अब कोई देश के लिए मिशन नहीं होगा, अब फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर मिशन पर जाएगा, जहां आप सबको ये पता ही है कि जब बात फैमिली पे आ जाती है तो सबकी सटक जाती है। खैर ये भी टाइगर ने कहा था, टाइगर श्रॉफ ने कहा था, मतलब यहां मैटर वही है पर डायलॉग वो नहीं है। सलमान भाई ने एक बार के में सारा मैटर सुलझा दिया कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। टाइगर 3 का ट्रेलर वाकई फास्ट वेट कराता है, मतलब जैसे आया और वैसे गया, आपकी नजरें वहीं रहती है। आपका ध्यान अगर सलमान खान से हटता है तो आपका ध्यान इमरान हाशमी को ढूंढने लग जाता है। यार इन्होंने कहां ट्रेलर के आखिर में इमरान हाशमी का चेहरा दिखाया, जहां मैं इसका शुरू से वेट कर रहा था, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि अब दिखाएंगे, पर फिर वे वहां ब्लैक लाइट मार देते थे, मतलब अंधेरा कर देते थे, तब कहीं जाके इमरान हाशमी का चेहरा आखिर में दिखाई देता है, ट्रेलर के आखिर में दिखाई देता है। और भाई सब क्या ही लुक रखा है उसका, जहां दिल वैसे ही खुश हो जाता है कि इन्होंने इमरान हाशमी को विलन के रूप में ले लिया। वैसे इमरान हाशमी पहले भी एक दो मूवी में विलन बन चुके हैं, पर वो रोमांटिक विलन बनते थे, जहां आखिर में पता लगता था कि वो विलन है, शुरू में तो वो हीरो ही लगते थे। इसमें क्या डेंजरस लुक रखा है वायरफ वालों ने, भाई सब मजा आ जाता है। इसी के साथ कैटरीना कैफ की ओर नजर घुमाई जाए तो बंदी कह ढा रही है और कैसे कैसे सीन निकलवा लिए बंदी से, जहाँ फुल ड्रेस से वो कहाँ उसे उस तोले में ले आए, जहाँ सीन दिल को छू जाता है कि अब उतरेगा कपड़ा। पर ठीक है अपन इतना नोटे नहीं है, वो विक्की कौशल को ही मुबारक हो। अपन बात करते हैं टाइगर पर, मतलब सलमान भाई के लुक पर, जहाँ टाइगर जिंदा है वाला लुक अभी भी रखा हुआ है। खैर अपन को उस चीज़ से इतना खास लेना देना नहीं है, अपन टाइगर के फैन हैं, तो टाइगर और उसके गमछे को देखकर ही दिल खुश हो जाता है। जहाँ टाइगर 3 की वायर ऑफ यूनिवर्स से कनेक्शन पर बात की जाए तो ये सबको पता ही है कि ये वॉर और पठान की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी, जिसके कि लोग मिलते भी हैं, जिस पर अपन दिल खोलकर पैसा लुटाने को राजी है। खैर इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, पर ठीक ठाक है, मैनेज कर लेंगे। जहाँ इस बार ये 1000 करोड़ पार मूवी होने वाली है, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, इसे कोई रोकने वाला नहीं है जब तक कि ये खुद ब्रेक ना मारे। जहाँ इसकी अब थोड़ी क्रिएट की जाए तो ये निकल कर आती है कि टाइगर अपनी फैमिली जोया और अपने लड़के के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होगा, जहाँ विलन अपना इमरान हाशमी उसकी नजर उसकी फैमिली पर पड़ जाती है, मतलब टाइगर की फैमिली पर उसकी नजर पड़ जाती है, जहाँ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि या तो फैमिली या देश। जहाँ प्रोबेबली ये हो सकता है कि उसके पास यानी इमरान हाशमी अपने विलन के पास ऐसा हथियार कोई या राज हो सकता है जिसके पर वो भारत को कुछ अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको कि टाइगर रोक सकता है। मगर अगर टाइगर उसे रोकता है तो उसकी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी, तो फिर उसे अपनी फैमिली को खोना पड़ेगा। जहां टाइगर एक प्लान बनाता है अपने टाइगर जिंदा है वाले साथियों को लेकर कि आओ अपन कुछ अकेले में देश से छुपाकर एक मिशन पूरा करते हैं, जहां टाइगर प्रोबेबली आगे जाके विलन के जंगल में फंस जाता होगा, जहां उसे बचाने पठान आएगा, जहां पठान का थोड़ा क्लू मिलता भी है, जहां ये पक्का तो नहीं है कि वो पठान ही है या कोई और है, जहां पहला शॉट मोटरसाइकिल वाला जो शॉट था उसमें वो आदमी जो सलमान खान के पीछे बैठा रहता है टाइगर के, पता नहीं क्यों वो पठान की तरह लगता है, शायद वो प्रोबेबली पठान हो सकता है क्योंकि उसका चेहरा भी नहीं दिखाया गया, तो वो पठान हो सकता है, तो ये शायद पठान ही होगा जो टाइगर की मदद करने गया होगा। और बोला जा रहा है कि यहाँ से ही टाइगर वर्सेस पठान की सीढ़ियाँ चालू होगी, तो ये भी हो सकता है कि जैसे इमरान हाशमी कहता है कि टाइगर की वजह से मेरे बीवी बच्चे मारे गए, तो वहाँ से कोई ऐसा राज निकल जाए या अपना कबीर वाला करेक्टर ऋतिक रोशन उनमें फूट डाल दे या इमरान हाशमी कुछ कर दे, तो कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट एक थ्योरी बनती है, तो इसे किसी बात से जज नहीं किया जा सकता, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। मूवी में इसे कैसे दिखाया जाएगा, जहाँ दीपिका पादुकोण का कैमियो भी हो सकता है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। जहाँ मैं इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाला था, पर इतना टाइम नहीं है कि इसका पूरा ब्रेकडाउन हो जाए, तो वो सब अगली वीडियो में कर लेंगे, जहां कुछ अलग बातें होंगी। तो हिप हॉप का टीजर रिव्यू आ चुका है, तो उसे यार जरूर से चेक कर लेना। और तुम्हें टाइगर 3 का ट्रेलर कैसा लगा ये कमेंट्स में बता देना, और तब तक देखते रहिए बेयर बैक क्रिएट।